ठहरे ठहरे कदमों को ओढ़ दूँ, ज़िंदगी क्या मोल दूँ ऐ ज़िंदगी। इतनी तो सुंदर हो, रोज रात को क्रीम लगाने की जरूरत तुमको नहीं है। अरे आओ भी, साला किस्मत वाला तो मैं हूं। भगवान ने अमीर नहीं बनाया, लेकिन बीवी तो एक नंबर की दे दी। हटो यार, बोलो, चाट लो एक नंबर बीवी को। इसीलिए पैदा हुई हूं ना मैं कि सुबह शाम तुम्हारे पेट में खाना ठूस दे, दिन भर पेट में तुम्हारा बच्चा ढोए और रात में बस तुम्हारी हवस मिटा दे। आजकल इतना किसे आए कह रहती हो? जानते हैं बच्चा पैदा नहीं करना तुमको, लेकिन अब तो हो गया ना, क्या दिक्कत का? हम पसंद नहीं है तुमको। पसंद हो ना हो, पर पति तो तुम ही हो ना मेरे, और पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। और वैसे भी हम जैसे औरतों को पति पसंद ना पसंद करने का मौका नहीं मिलता है। पढ़ी लिखी हूँ, काम करना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी बनाना चाहती हूँ। जिंदगी जीना चाहती है, पर बाहर निकल कर देखो, पता चलेगा तुम्हें इंसानों से ज्यादा कुत्ते टकराएंगे। आजकल औरतों को अपनी जिंदगी खुलकर जीने का बड़ा शौक है। कितनी घटिया सोच है ना तुम्हारी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जाहिल मर्द से शादी करना आसान है, पर निभाना कितना मुश्किल। 2 साल से तुमको समझा रही, एक बात बताओ, कोई दुश्मनी है क्या मेरी तुमसे, तुम्हारे घर से, तुम्हारे बच्चे से? यार सुकून से जियो और मुझे भी जीने दो। जीना जियो, मरना मरो, मुझे क्या, भगा कर नहीं लाया हूं। तुम्हारे घर वालों ने शादी कराई है ये, और ये पति का हक होता है। पर रेप नहीं करता हूं मैं। रेप ही है। जौनपुर से दिल्ली 2 साल पहले तुम्हारे लिए आया था यहाँ पे। हाँ बहुत कमाल दिल्ली ले आयो, और यहाँ के लक्ष्मी नगर के एक कमरे के घर में रख दिया। जी रही हूं मैं अपनी जिंदगी। और कैसे जीना चाहती हूँ, क्या कमी छोड़ रखी है? एक बात जान लो, औरतों को घर की दहलीज लांघने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। मैं कौन सा ऐसा दुस्साहस करने जा रही हूँ जिससे तुम्हारी नाक कट जाएगी? जिस लायक हूँ वैसे जिंदगी जीना चाहती हूँ। ये भी एक दुस्साहस ही है। मैं, तुम, हमारा बच्चा एक छोटा सा परिवार है, और कोई भी सपना उस परिवार से बढ़कर नहीं हो सकता। देखो कुत्ते के पूंछ की तरह मैं अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती, जो ताउम्र खड़ी भी रहे और अपनी इज्जत भी ना बचा पाए। और तुम्हारे जैसे इनसिक्योर पति के चक्कर में ना मैं अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करूंगी। मैं फैसला कर चुकी हूं। करना करो, साला मरना मरो, जीना जियो, आग लगा दो इस घर में। ओ
थाने से पुलिस वाले आए थे, बोल रहे थे कि उस घटना के लिए किसी को जिम्मेदार समझते हो तो उसका नाम उन्हें दे सकते हो, और अगर नहीं तो ये कागजात देकर गए, इस पर साइन कर दो तो केस बंद कर दे। राकेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। क्या सोचा तुमने? किस बारे में? हमारे बारे में और किस बारे में? देखो राकेश, तुम्हें भी पता है कि ये सब मेरे लिए कितना मुश्किल था। मैं तो घर से बाहर काम करने निकली थी, पर मानसिक तौर पर बुरी तरह से टूटी हुई थी, पर तुम्हारा साथ मिला और बस आगे बढ़ती चली गई। बोलना क्या चाहते? मुद्दे वाली बात है। मुद्दे की बात यह है कि मैं अपनी जिंदगी में नई रोशनी चाहती हूँ। देखो, मैं अपनी जिंदगी में अपनी शादी से खुश नहीं थी, ये तो सब जानते, पर तुम्हारा विश्वास मिला, तुम्हारे विश्वास के सहारे विश्वास करके मैं यहाँ तक आ गई। तुम्हारे साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। ये एक तरफा नहीं था ना, और जितना इन्वॉल्व मैं था उतना इन्वॉल्व तुम भी थी। राकेश, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ ब्लेम करने नहीं आई हूँ, मैं बस इन्वॉल्व थी नहीं हूँ और रहना चाहती हूँ, इसीलिए तो यहाँ खड़ी हूँ ना। पर राकेश, मुझसे अब ये झूठ का बोझ और नहीं ढोया जाता। मैं चाहती हूँ कि मैं विवेक को सब कुछ सच सच बता दूँ। कभी कभी जिंदगी में बड़ी गलतियों को सुधारने के लिए कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। मैं उससे तलाक ले लूंगी ताकि हम लोग एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। पेन देना मैं। बहुत अच्छा किया तूने रूपी, जिंदगी की उन दुर्घटनाओं को जो आपके जीवन की खुशी, आपका सारा सुकून छीन ले, उन्हें भूल कर आगे बढ़ना ही समझदारी है। हम सब जीवन में कुछ ना कुछ पागलपन करना चाहते हैं, और सच कहूं तो शायद कभी कभी पागलपन का नाटक भी करते हैं। जानती है क्यों? क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि आखिर हमें जिंदगी से चाहिए क्या, और जब तक हम समझ पाते हैं ना, तब तक हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं। तुम्हें क्या लगता है ना, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, इसके लिए सिर्फ मैं कसूरवार हूं? आप लोग भी उतने ही कसूरवार हैं जितनी कि मैं। हम लोग ने क्या कर दिया? गलत परवरिश मां, गलत परवरिश ही तो है जिसकी वजह से बच्चे गलत सलत ख्वाब देख लेते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। तो क्यों दिखाने ऐसे ख्वाब? ठीक है, इसका मतलब तेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसका ठीकरा तू हमारी परवरिश पे थोपना चाहती है। हमने कहा था तुझे कि विवेक को छोड़ के अपने उस ऑफिस के बॉस के पास चले जा। वाह, बाबा क्या कहते थे, मेरी रूबी तो चारों बहनों में सबसे खूबसूरत है, इसकी तो मुझे चिंता ही नहीं है, किराने की दुकान चलाता हूं तो क्या हुआ, इसकी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा, राजकुमार ढूंढ के लाऊंगा। लिया 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सब में फर्स्ट क्लास पास हुई थी मैं, पर तुमने क्या किया माँ? बाबा के कान भर भर के बड़ी बेटी को ही घर में बिठा के रखोगे तो बाकियों को कौन ब्याहेगा? जल्दी जल्दी में जो मिला उससे कर दी मेरी शादी। रूबी, तेरा दिमाग खराब हो गया, इन सब बड़ी बड़ी बातों में कुछ नहीं रखा है। लगभग हर औरत इसी तरह की जिंदगी जीती है। अरे मैंने भी उसी तरह की जिंदगी जी है, उसमें कौन सी नई बात है? पर माँ, मैं तो अलग जिंदगी बनाना चाहती थी ना, ये मेरा गुनाह हो गया। एक बात कहूं माँ, अगर औरत औरत का साथ देती तो औरतों को अपनी राह बनाने के लिए किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग खराब हो गया है तेरा, जानती है ना तू, पिछले 2 महीने में दामाद जी ने कितनी सेवा की है तेरी, तेरी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा, चिराग लेके ढूंढेगी ना तो भी इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तुझे। माँ मुझे एहसास है, बहुत बड़ी गलती हुई है,
देख बेटा, इंसान है ना वो पत्थरों में भगवान ढूंढता है, और चलते फिरते भगवानों को नजरअंदाज कर देता है। तभी तो देखो ना, तुम भी मुझसे दुखी हो, पापा तो मुझसे मिलने भी नहीं आए, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं चीकू के लिए, अपने परिवार के लिए। मैं सोच रही हूँ चीकू को अपने साथ ले जाती हूँ, दामाद जी को भी थोड़ा संभलने का मौका मिल जाएगा, और तुम लोग को थोड़ा समय भी मिलेगा बिताने के लिए। ठीक है। देखो रूबी, हमारा कोई फ्यूचर नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिला। तुम्हें इस ऑफिस में मामूली सी जॉब करने आई थी, मैंने प्रमोशन दिया। दो सालों में तुम सीनियर लेवल का काम करी, और यही तुम चाहती थी। ये चाहती थी मैं? ये दिया है तुमने मुझे, ये जिंदगी बनाई है तुमने मेरी। हो गया तेरा, मम्मी भर गया तेरा पेट, यही है ना तेरी असलियत? छोड़ छोड़, औकात में रह बैठे। भोली बनने का नाटक मत कर। जिंदगी एक ही मौका देती है एक चीज चुनने का, करियर या रिश्ते, और तुमने ना अपनी जिंदगी में करियर चुना है। तुम्हारे साथ तो रिश्ता चुना था ना, मैं जीना चाहती थी ना तुम्हारे साथ, क्यों धोखा दिया मुझे फिर? राकेश, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। क्या बोलोगी जाके पुलिस से? शादीशुदा होने के बावजूद, एक बच्चे की माँ होने के बावजूद तो मेरे पास है। इस फोन में बहुत सारे वीडियो हैं, अगर मैंने नेट पे डाल दिया ना बच्ची कुछ इज्जत भी उतर जाएगी। औकात में रहो और ऑफिस आओ, और नहीं आना तो मर जाके भी। और नहीं कहोगे? तुम कहो, कुछ है तो कहने को। कहने को तो कुछ नहीं है, पर कुछ देना था तुम। आजादी की, किस बात के लिए? अनजान बनने की कोशिश मत करो, मर मर कर मेरे साथ जीने से अच्छा है कि तुम मुझसे अलग होकर खुश रहो। ये नया ड्रामा चालू किया तुमने? ये सब तुम्हें ड्रामा लग रहा है? मेरे सुसाइड वाले इंसिडेंट को 6 महीने बीत चुके, मैं देख रही हूं कि तुम्हारे पास तुम्हारी बच्ची के लिए टाइम है, टीवी न्यूज के लिए टाइम है, काम के लिए टाइम है, पर बीवी के लिए टाइम नहीं। हमने साथ सोना छोड़ दिया तो क्या हुआ? साथ बैठना भी छोड़ दिया? ऐसा कुछ नहीं, मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहूं।
पहले भी और हमेशा। विवेक, क्या हम फिर से एक बार नई शुरुआत नहीं कर सकते? जहां से मैं देख रही हूं कि तुम मुझसे बहुत दूर जा चुके हो, और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करके तुम बदला लेने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें बहुत आसान लगता है ना, पहले आजादी चाहिए थी, अब पति का प्यार चाहिए। तुम्हारी नजरों में मेरे लिए ना पहले कोई इज्जत थी और ना ही अब है, और इस सच के साथ मैं जीना सीख चुका हूं। पर मैं नहीं जी सकती। तुम बहुत मतलब हो विवेक। जब मैं पहले कुछ करना चाहती थी तब भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया, और आज जब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ तो तुम मुझे फिर से एक बार अकेला छोड़ रहे हो। शादी के बाद भी अगर किसी और से प्यार होता है, इसका मतलब शादी में प्यार लायक कुछ था ही नहीं। हम दोनों का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था। तुम बात को गलत दिशा में ले जा रहे हो विवेक। मैं इस चीज के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, और तुमसे कई बार माफी मांग चुकी हूँ, पर अगर तुम मुझे माफ नहीं कर पा रहे हो तो क्यों ढो रहे हो उस रिश्ते को? तुम्हारे लिए मैं हमेशा एक खरा हुआ आदमी था ना। एक खारे हुए आदमी को हर चीज बेमानी नजर आती है। खैर, मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता हूं। मैं बस अपने बच्चे के लिए जीना चाहता हूं। प्लीज जीने दो मुझे। तो फिर ये लो, दे दो मुझे तलाक और करने दो मुझे पश्चाताप। मुझे इससे संतोष मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारा इंतकाम। हाँ माँ। क्या माँ जी को ठीक तो है ना? विवेक, विवेक दरवाजा खोल। विवेक चीकू, क्या हुआ चीकू? चीकू छत से गिर गई है, माँ का फोन आ रहा अभी। हाँ विवेक, चीकू ठीक तो जाएगी ना? कुछ नहीं होगा चीकू, सब ठीक हो जाएगा। Thank you.